हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय श्वेता मोचारी चैनल। बहुत दिन हो गई थी मैं वीडियो नहीं ला पाई मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, तो आज मुझे थोड़ी अच्छी लगी है तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह आ गई नई वीडियो लेके। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो मैं आज आप लोगों को मेरी सुबह का जो रूटीन है वो दिखाने वाली थी। मैं सुबह मेरा जो प्रेगनेंसी का जो 3 मंथ चल रहा है, मैं क्या क्या करती हूँ और मैं क्या खाती हूँ सुबह, और मेरा जो प्रेगनेंसी का 3 मंथ चल रहा है वो कैसा चल रहा है, मैं वो सब आप लोग से शेयर करूँगी। और साथ ही जो मेरा ये वीडियो है ना वो यूट्यूब में रहेंगे, तो इन फ्यूचर में जब हम लोग का बच्चा बड़ा हो जाएगा तो ये सब वीडियो मतलब देख के अच्छा लगेगा। सो दैट्स व्हाई मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, मेमोरी के लिए एक्चुअली, हम लोग याद कर सकेंगे और मैं ऐसे ऐसे करती थी ऐसा ना, तो ये सब इसलिए भी मैंने वीडियो को बनाया, सोचा कि बना के रख देती हूँ। फिर मैं सुबह सुबह उठ के ही ब्रश करके आने के बाद ही मैंने अपना बिस्तर मिलाना शुरू कर दी, क्योंकि बिना बिस्तर मिलाए मतलब घर को अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब एकदम गंदा जैसा मतलब लगता है। सो मैं आज बिस्तर ही बना रही हूँ। और हमारे रास्ते से ना इतना ट्रक जा रहा है, तो मतलब बहुत ही आवाज़ आ रही होंगे गेटर गेटर करके, तो रास्ता बना रहे एक्चुअली। तो फिर मैंने अपना घर बिस्तर बना दिया, पहले साफ कर दी क्योंकि अभी क्लीन लग रहा है, क्योंकि बिस्तर नहीं उठाने से बहुत ही गंदा लगता है घर को, तो मैंने बिस्तर मिला दी। आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने बिस्तर मिला दी और मेरा बिस्तर मिलाना कम्प्लीट हो गया। और मैं अभी जा रही हूँ, मेरा सुबह का जो रूटीन, सबसे पहले सुबह उठते ही मुझे मेडिसिन का चेहरा देखना पड़ता है, और मैंने जल्द से मेडिसिन खा ली। मेडिसिन खाने के बाद अभी मुझे जाना है ब्रेकफास्ट करने, तो देखते चलिए मम्मी ने क्या बनाया। तो आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में बनाया अंडा, पास्ता और दूध, और मैंने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके मैं सोचा आज मैं आप लोग से कुछ बातें शेयर करूँगी, बात करूँगी। सो मैं लेके आ गई ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद एक केला। केला मतलब फ्रूट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, तो कोई कोई बोलते केला खाना नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर कहता है कि केला खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत ही आयरन की कमी होता है जब प्रेगनेंसी होता है, तो डेट उस समय में क्या होता है, हम लोग को फ्रूट्स अंडा ये सब मतलब खानी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत प्रोटीन की कमी होता है, कैल्शियम की कमी होता है, तो हम लोग को फ्रूट्स खाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सुबह क्या करती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक केला नहीं तो एप्पल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं खाती हूँ, और आफ्टर लंच मैं जो भी है मेरा फ्रूट्स, ग्रेप्स, अनार, सब कुछ मैं थोड़ी थोड़ी करके खाती हूँ। ज़्यादा भी नहीं खा सकती, लेकिन जितना खा सकती हूँ मैं उतना खाती हूँ, ताकि मेरा बच्चा भी हेल्दी रहे और मैं भी खुद भी हेल्दी रहूँ। सो स्पेशली तो हम लोग के बच्चे के लिए हम लोग को खाना है। तो आप लोग उस दिन देखा होगा कि मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने क्या बोला आप लोग को भी जानने का दिल हो रहे होंगे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपका थैलेसीमिया है रिपोर्ट देख के, तो मैं वैसे ही डर के मैं गई थी, डरे हुए सहमे हुए मैं गई थी। तो डॉक्टर के पास जब गई तो डॉक्टर ने बोला थैलेसीमिया है, तो मैं और भी मैं डर गई। तो फिर मैं डर डर के मैं घर आई, क्योंकि एक होता है जब डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि हम लोग को तो रिपोर्ट समझ में नहीं आता है, हम लोग ना मेडिकल का स्टूडेंट है ना साइंस लेके पढ़ा, सो हम लोग इतना पता कुछ नहीं होता है। सो हम लोग डॉक्टर पास जाते हैं एक विश्वास लेके कि कुछ ना हो गलत रिपोर्ट ना आए कोई की। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, तो मैं डरी हुई मैं घर में आ गई थी। फिर आने के बाद मेरा काकी शाम को आया, फिर शाम को मेरे काकी बोला ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हस्बैंड को भी होने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन सिर्फ वाइफ को होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि क्योंकि मेरा जो बुआ है उनका भी थैलेसीमिया पॉजिटिव आया था। सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को भी मैं शेयर करना चाहती, इतना डरने की बात नहीं है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं ना, तो इतना डरने की कोई बात नहीं है। तो मेरे हस्बैंड भी आएंगे तो मैं उनको टेस्ट कराऊँगी, तो मन भी शांति होगा।
एक्चुअली ये सब ना प्रेगनेंसी के टाइम में महिलाओं को मतलब ये सब पॉजिटिव पाया जाता है, जैसे शुगर ज़्यादा होना, थायराइड, ये सब प्रॉब्लम होते ही है, तो इतना डरने की बात नहीं। तो अभी मैं आ गई हमारे सुंदर सी विलेज मेरे घर के जो आंगन में चारों ओर सुपारी लगाया है मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि जब मेरे पापा गुजर गए थे तो हम लोग बहुत ही छोटे छोटे थे, तो ये जो बड़े बड़े पेड़ है वो सब पापा ने लगाया, लेकिन तो आसपास आप लोग को देख रहे हैं जो छोटा छोटा अभी बड़ा हो रहा है वो सब मम्मी और मैंने मेहनत करके लगाया। तो उसके बाद अभी हम लोग आ गए फूल देखने के लिए। मैं सोचा कि आप लोगों को भी कुछ शेयर करूं, और गांव में रहने का यही फ़ायदा है कि सुबह सुबह उठते ही आपको हरा भरा सब कुछ देखने मिलेंगे, और साथ ही साथ रंग बिरंग कलर की आपको फ्लावर्स देखने मिलेंगे। तो उसके बाद मैं आ गई मास्ट इम्पोर्टेंट मेरा ये कोकोनट वाटर मुझे चाहिए, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मेरे मम्मी कल बाज़ार गई थी, तो मैं उनको बोला कि मैं लेके आओ, मम्मी बोल के, तो मम्मी मेरे लिए लेके आई। तो मेरे मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे नारियल काट दो, तो मम्मी ने काट दी, क्योंकि हम लोग का घर में लड़का नहीं है कोई भी, ना मेरा भाई है ना कोई है, सो हम दोनों ही मम्मी सॉरी मेरा बहन और मैं, और मेरे हस्बैंड भी अभी हमारे घर मतलब मेरा ससुराल गए हुए हैं। तो अभी मम्मी ने बोला ठीक है मैं काट देती हूँ, तो मम्मी ने बोला अब तुम्हें भी एक काम करना होगा। मैंने बोला क्या मम्मी? मम्मी ने बोला कि मैंने अपने खेत से कुछ कद्दू का जो पत्ता और उसका डंडी मैं लेके आई हूँ तोड़ के, तुम उसको साफ़ करके रख दो, मैं जा रही हूँ चर्च में, आने के बाद मैं उसको बनाऊँगी बोल के। तो ठीक है मैंने बोला। फिर मम्मी ने मुझे नारियल काटी और मैं वही पी रही हूँ, मतलब पीने के बाद मुझे काम करना है। सो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं मम्मी को देख रही हूँ कि मम्मी को अभी कैसे बोलूँ कि मुझे इसका मलाई भी खाना है बोल के। तो उसी टाइम में मैंने मम्मी को बुलाया, तो मम्मी ने बोला मम्मी मुझे मलाई भी खाना है उसका मलाई बोल के। तो मम्मी ठीक है मैं देखती हूँ बोल के देखा, तो मम्मी काट रही थी, तो मैंने सोचा तब मैं भी सब्जी काट लेती हूँ बोल के। तो ये फ्रेश एकदम ग्रीन हरा भरा सब्जी देखने से बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो मेरी मम्मी बोला कि इसमें है ही नहीं, तो मैंने बोला कि मम्मी को कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम खाएंगे बोल के। तो उसके बाद मैं साग साफ़ करना शुरू कर दी, साग को थोड़ी सी मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मेरे बुआ जो है गुड न्यूज़ भी है, और एक फैमिली में वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो भी आ गए मुझसे बात करते करते। मतलब क्योंकि उनका शायद 4 मंथ चल रहा है, तो मेरा मम्मी आप लोग देख ही होंगे कि मेरा मम्मी हाथ में दाऊ लेके घूम रहा है इधर उधर इधर उधर। और फिर उसके बाद मेरा क्या बोलते बुआ भी आ गए दूध और जलेबी लेके, तो मैंने उनको पूछा दूध के साथ जलेबी कौन खाते बुआ बोल के, तो उन्होंने कहा मैं खाती हूँ बोल के। तो फिर मैं हंस रही थी दूध के साथ, तो बुआ ने बोला मेरा पेट वो यूट्यूब वीडियो बना रहे बोल के, हाँ बोला। तो फिर बुआ बोला ठीक है मेरा पेट को दिख गया बोल के, वो तो हंस रहे हम लोग वही बात करके हम लोग हंस रहे थे। और कहीं से मेरे दादू भी आ गए, मेरे दादू देख रहे क्या कर रहे बोल के। सो हमारे घर में ना बहुत ही कॉमेडी का बात है, हमारे घर में चार पांच लड़की लोग हैं और एक ही लड़का है वो भी दादू। तो मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो मेरे हस्बैंड और मेरे दादू दोनों ही होते हैं लड़का, लेकिन जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं तो मतलब दादू अकेले ही होते हैं। नहीं तो हम लोग बहुत ही हंसते हैं, तो मेरा बुआ लोग बोलते हैं दामाद को इधर ही लेके रखना पड़ेगा तो दो हो जाएंगे बोल के ना। तो यही है, और आप लोग को पीछे दिख रहे होंगे कितना सुंदर फ्रेश फ्रेश हवा आ रहे हैं, फ्रेश मतलब क्लीन।
और आप लोगों को आवाज़ आ रहे होंगे कि ट्रक का आवाज़ आ रहा है। ये ट्रक का आवाज़ ना इसलिए आ रहा है कि हमारे गांव में बहुत ही पुराना रास्ता, जो हमारे दादी दादू के अमल के थे, मतलब वो लोग उस टाइम में, मतलब जवान छोटे छोटे टाइम से, ये जो रास्ता है ना एकदम ख़राब रास्ता था, तो वही सब बना रहे। सो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक आई।